Hello students, we are discussing about the respiration. In the previous video, we have discussed about the human respiratory system, how respiration takes place in human beings, or kaise glucose ka breakdown hota hai in different pathways. Now, today in this video, we will discuss about the breathing mechanism. ब्रीदिंग जो होती है वो दो प्रोसेस से होती है हमारी, इन्हेलेशन से और एक्सहेलेशन से. अब ये जो ब्रीदिंग होती है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल. डायफ्राम क्या होता है, जो हमारी लंग्स होते हैं उसके नीचे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जो कि सेपरेट करती है थोरेसिक चैम्बर को और आपके एब्डोमिनल कैविटी को. थोरेसिक चैम्बर क्या है, जो आपकी चेस्ट कैविटी है जहाँ पे लंग्स लोकेटेड हैं वहाँ उसको, और जो एब्डोमिनल मतलब जो स्टोमक से स्टोमक वाला पार्ट है उस स्टोमक से नीचे वाला पार्ट है या स्टोमक से लेकर जितना भी पार्ट होगा वो होगा एब्डोमेन वाला पार्ट. तो ये थोरेसिक चैम्बर मतलब चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है डायफ्राम. और इंटरकोस्टल मसल्स जो आपके लंग्स के चारों तरफ जो मसल्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल. तो जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, जो एयर अंदर आ रही है और एयर बाहर जा रही है, तो वो किससे कंट्रोल होती है, बाय द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स. तो अब दो प्रोसेस होते हैं आपके इस ब्रीदिंग मैकेनिज्म में, एक होता है इन्हेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन. इन्हेलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, द प्रोसेस इन विच द पर्सन टेक्स द एयर इन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पर्सन एयर अंदर लेता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्हेलेशन, और इंस्पिरेशन भी हम इसको इसके नाम से जानते हैं. और एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन जिसमें अ पर्सन ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. तो अब इन दोनों प्रोसेस में ये प्रोसेस होता कैसे है. इन केस ऑफ इन्हेलेशन, इन्हेलेशन में क्या होता है, जब कोई भी पर्सन एयर अंदर लेकर आता है, व्हेन एनी पर्सन टेक्स द एयर इन, तो जो रिब केज होता है वो एक्सपेंड हो जाता है मतलब बढ़ जाता है, और अपने आप की जो रिब्स होती हैं वो अपर लिफ्ट कर देता है. इट लिफ्ट्स रिब केज एक्सपेंड्स एंड लिफ्ट अपवर्ड्स, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लंग्स का वॉल्यूम होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो एयर होगी वो आपकी अंदर रश करने लगेगी. अंदर रश एयर करने लगेगी तो जो डायफ्राम है वो फ्लैट शेप का हो जाएगा. क्या होगा, इन्हेलेशन में जब एयर अंदर आएगी तो रिब केज एक्सपेंड हो जाएगा, लिफ्ट अपवर्ड्स ऊपर की तरफ उठ जाएगा, डायफ्राम फ्लैट शेप का हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है लंग्स का वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा और एयर एंटर अंदर करने लगेगी लंग्स के अंदर. इन केस ऑफ एक्सहेलेशन बिल्कुल इसका अपोजिट है. जब कोई भी पर्सन एयर मूव्स आउट करता है, बाहर निकालता है, तो जो रिब केज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब अपने साइज को कम कर लेता है, थोड़ा सिकुड़ जाता है, और लिफ्ट्स इट्स रिब्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ अपनी रिब्स को डाउनवर्ड झुका लेता है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम होता है लंग्स का यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा और जो एयर है वो बाहर चली जाएगी. एज अ रिजल्ट जो डायफ्राम होगा वो डोम शेप हो जाएगा. इन केस ऑफ इन्हेलेशन जो डायफ्राम है वो फ्लैट शेप का हो जाएगा. बट इन केस ऑफ एक्सपिरेशन, क्योंकि पूरी एयर बाहर निकल रही है, जिसमें क्या होगा, जो आपका डायफ्राम है वो डोम शेप का हो जाएगा. अब जब कोई भी पर्सन ब्रीथ करता है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, जब वो कोई भी एयर अंदर लेगा या बाहर देगा, तो लंग्स के अंदर एक रेसिडुअल वॉल्यूम होता है. रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, एक ऐसा वॉल्यूम कि एक्सपिरेशन करने के बाद भी जो अमाउंट बचे लंग्स के अंदर, द अमाउंट रिमेनिंग इनसाइड द लंग्स आफ्टर एक्सपिरेशन, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम. तो ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स कंटेन रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशियंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज. तो जब कोई भी पर्सन एयर अंदर लेता है या बाहर देता है, तो वहाँ पर रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, वो किस लिए होता है, ताकि कुछ टाइम मिल सके ताकि जो भी ऑक्सीजन अंदर आई है वो एब्जॉर्ब हो जाए और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाए, उसको थोड़ा सा टाइम ऐसा मिल जाए. अभी क्वेश्चन है कि जो डिफ्यूजन होता है, जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, वो इनसफिशियंट क्यों होता है. जितनी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती हैं उसमें इनसफिशियंट क्यों होता है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है कि जो सेल्स बनी हुई हैं वो बहुत ज्यादा से बना हुआ है कोई भी ऑर्गेनिज्म. तो जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है एनवायरमेंट में. जो ऑर्गेन्स हैं उनका अपना एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है, बॉडी डिजाइन इतनी कॉम्प्लेक्स है. तो जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो अलोन टेक
टेक केयर नहीं करता है ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो सिर्फ एक ऐसा ही प्रेशर नहीं होता है कि वो सारी ही जितनी भी रिक्वायरमेंट है किसी भी ह्यूमन बॉडी में वो पूरी कर सके, ताकि जितनी भी ऑक्सीजन की डिलीवरी है उसको पूरा कर सके। तो इसलिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं एयर की, तो इसलिए वहाँ पे जितना भी रिक्वायरमेंट होता है ऑक्सीजन का वो डिफ्यूजन से सफिशियंट होता है। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स इट इज़ नॉट सफिशियंट। तो अब डिफ्यूजन नहीं होता तो अब क्या ऐसा होता है जिससे पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है? तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, या जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं जिनमें ब्लड होता है, उनमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है एयर से और लंग्स में देता है, और जितने भी टिश्यूज़ हैं टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और एल्वियोलाई तक पहुंचाता है उसको फिल्टर करने के लिए। देन हीमोग्लोबिन के पास अब इतनी ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि किस में प्रेजेंट है, आरबीसीज में प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है। अब यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ द एल्वियोली, किस तरीके से एक्सचेंज होता है गैसेस का। जब कोई भी ह्यूमन बींग एयर अंदर लेता है या बाहर करता है तो क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो क्या करता है, दैट ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा और रिलीज करेगा इनटू द एल्वियोले। एज यू आर सीइंग इन द डायग्राम, द डिफ्यूजन हो रहा है किसका, CO2 का। लेकर कौन आ रहा है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट काम कर रहा है, लेकिन प्रोसेस क्या लग रहा है, दैट इज डिफ्यूजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से लेकर आएगा और कहाँ पर एंटर करवाएगा, एल्वियोलाई में। देन जितनी भी यहाँ पर ऑक्सीजन होगी, जो भी ऑक्सीजन होगी वो क्या होगी, जो भी इसके सेल्स के अंदर ऑक्सीजन होगी एल्वियोलर एयर में, वो ब्लड लेगा इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स और इसको कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेगा, पूरी बॉडी की सेल्स में। मतलब पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा और एंटर करवाएगा एल्वियोलाई में, जहाँ पर ये फिल्टर होगी, और यहाँ से जितनी भी ऑक्सीजन है वो सब यहाँ से एक्सचेंज होगी, बाहर जाएगी थ्रू दिस प्रोसेस। सो जो CO2 होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होता है वाटर में, अगर हम ऑक्सीजन की कंपेयर करें तो, ऑक्सीजन से कंपेयर करें तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है डिजॉल्व फॉर्म में हमारी ब्लड में, लेकिन जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की, तो दिस इज़ प्रेजेंट इन RBC। सो ये सिर्फ जो है RBCs में प्रेजेंट होता है। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म, किस तरीके से जो है डिफ्यूजन होता है गैसेस का, किस तरीके से अंदर आती हैं और किस तरीके से बाहर जाती हैं। तो दिस इज़ द डायग्राम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन।